हाय, आई एम डेविड सिंह रावत एंड यू आर वाचिंग DW ऑल भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऐसी जगह जहां पे मैं खड़ा हूं इस समय, और ये जगह है वन मोहलिया। यहां की जो इन्वायरमेंट है, आप देख रहे हैं हवा चला इस समय, मतलब सुंदरता इतना बढ़िया है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ग्रीनी प्लेस है। चाहे मैं चारों तरफ देख लूँ, मेरे पीछे आगे लेफ्ट राइट चारों तरफ इतना बढ़िया खूबसूरत जगह है। यहाँ पर रियली यार बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर इस समय मैं उत्तराखंड और जो यूपी का बॉर्डर है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये बॉर्डर है यहाँ पे, ये खड़ंजा से मेरी स्कूटी ठीक बॉर्डर में खड़ी है। इस यहाँ से जो ये इस तरह का यहाँ लाइन आ रहा है, ये यहाँ से आगे यूपी पड़ता है, और यहाँ से आगे अगर जाएंगे ये आता है उत्तराखंड का बॉर्डर। हालांकि यूपी और उत्तराखंड दोनों इंडिया ही है। और ये जो लोकेशन है आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरा कच्चा रास्ता है, खेती बाड़ी यहाँ के लोगों का पेशा है। ये देख लीजिए, मेरा जो ये बैक साइड वाला एरिया है ये पूरा यूपी का है, और जहाँ पे मेरी स्कूटी है ये अभी यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है। और ये लोकेशन का जो नेम है, जहाँ पे ये पीछे जा रहा है, ये वाला बंदर भोज यूपी में आता है, और मेरे फ्रंट साइड का जो आगे देख रहे हैं ये छोटे से सर्कल में, ये वन मोहलिया है। वन मोहलिया खटीमा के अंदर आता है, खटीमा मेला घाट खटीमा उत्तराखंड उधम सिंह नगर के अंदर आता है। यहाँ की जो रोड हैं, सड़कें खड़ंचे वाले टोटल, और कच्चे रोड कह सकते हैं, पक्का रोड तो यहाँ पर है नहीं। और यहाँ की जो घरें बनी हुई, लोग यार बहुत गरीब हैं, कुछ है ही नहीं डेवलपमेंट यहाँ पे, कुछ काम काज के लिए कुछ है नहीं, तो आदमी कर भी क्या सकता है ऐसी जगह पे। देखिए यहाँ वही खेती बाड़ी करना है और लोग ऐसी जगह रहते हैं, तो थोड़ा यार गवर्नमेंट को ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कुछ रोज़गार मिल जाए तो लोग उन्नति करेंगे। लोग देखिए कितनी गरीबी यहाँ पे, लोग आज भी ऐसे जगह ऐसे घरों में रहते हैं। ठीक है दी, मतलब 10 में से अगर 10 घर हैं यहाँ पे, 10 से 20 घर हैं, तो उस घरों में से 10-20 घरों में से यार एक घर अच्छा मिलेगा, पक्का घर मिलेगा जो ये बना हुआ है। बाकी के जो घर हैं नॉर्मल से भी, नॉर्मली भी नहीं कह सकते यार, झुग्गी झोपड़ी है। अब गांव में आदमी करे क्या, अगर लेबरी करता है उसमें से घर चलाना है, पढ़ना है, बच्चों को देखना है, यार नहीं हो पाता। तो बड़ा यार दिल दुखता है लोग ऐसे घरों को देखकर ना, ये लोग इस तरह की यहाँ की जो घरें हैं। बट एक चीज़ से बहुत अच्छा खुशी होता है कि ऐसे जगह की जो इन्वायरमेंट है, बहुत ही गजब का इन्वायरमेंट है यहाँ पे, बिकॉज ग्रीनी प्लेस है यहाँ पे, और पेड़ पौधे बहुत अच्छा है, छाया है। नॉर्मली गर्मी मौसम में गाँव से बाहर जाते क्या होता है कि गर्मी स्टार्ट हो जाती है, बट जैसे ही गांव के अंदर आते हैं ना, यहाँ पे पेड़ पौधे इतने कि हवा की कमी नहीं होती ऐसी जगह। छाव ये देख रहे हैं, छाया छाया आपको दिखाई दे रहा। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे चारों ओर, ये जो भीतर वाला अंदर वाला गांव जाता है ये रास्ता रहा, ये कच्चा रास्ता है, कच्चा रोड है, और जो पक्का रोड है यहाँ से सामने जो बाइक आ रही है वहाँ से स्टार्ट है, जो मेन रोड आगे की ओर जाती है वो पक्के रोड में आता है। अगर आज के ब्लॉग में ये टूर जो वन मोहलिया वाला है ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी विल मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की नई नई जो ब्लॉग है मैं आपको अपलोड करता रहूँगा।